हेलो ऑल यू लवली पीपल आउट देयर एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू यू ऑल। मैं हूं तुहाडे नाल तरनजीत लेके हाजिर हूं तुहाडा फेवरेट शो सितारे दा स्वैग। तो चलो फिर शो दी शुरुआत करते हैं। गरज बरस प्यासी धरती पर घुर पानी दे माला। जी हाँ फ्रेंड्स, मैनू तो म्यूजिक का बहुत शौक है एंड आई एम डैम श्योर कि तुहानू भी म्यूजिक बेहद पसंद होएगा। तो तुहानू पता है हाल ही चंडीगढ़ विखे म्यूजिक ते फिल्म फेस्टिवल होया जिथे कि बॉलीवुड ते बॉलीवुड के सितारे पहुंचे ते मेरे सहयोगी रमप्रीत भी पहुंची जिन्हां दे नाल उसने गलबात की। देखो असं इस टाइम हाँ चंडीगढ़ म्यूजिक एंड फिल्म फैसटिवल में जोड़ा कि सैकेंड एडिशन होने जा रहा है चंडीगढ़ म्यूजिक एंड फिल्म फैसटिवल का पंजाब भवन। सो अज अखीरला दिन है जिद बॉलीवुड से लैके बॉलीवुड तक के जोड़े कलाकार ने फनकार ने डायरैक्टर ने प्रोड्यूसर ने उन्होंने सम्मानित भी किया जाएगा। तो नाल ही नाल एक फिल्म बाजार भी बनाया गया है जिद छोटे छोटे नौजवानों छोटे छोटे कलाकारों फनकारों एक मौका दिता जाएगा ता जो एक सही रस्ते जा के वो फिल्म इंडस्ट्री कुछ खास कर देगा। सो तुम लैके चलते हैं अवार्ड फंक्शन में दिखाने कि भी बहुत अच्छा लग रहा है। हालांकि मैं पंजाबी बोल नहीं पाती लेकिन चंडीगढ़ बहुत खूबसूरत शहर है और कई बार आ चुके हैं यहाँ पे, लेकिन जब भी मौका मिलता है आने का तो वो मौका गवाने की कोशिश बिल्कुल नहीं रहती। जिवें कि इस टाइम पे सेकंड एडिशन चल रहा है म्यूजिक फेस्टिवल का, किन्ने कि जरूरी है इस टाइम पर अवार्ड देखो ये देखो समय से वैसे वैसे सर 6 बजे काफी लो जा चुके हैं। इसी बारे की चर्चा हुआ है। मुझे तो यूथ से बहुत ज़्यादा मिलती है क्योंकि सबसे ज़्यादा हमारी कंट्री में यूथ ही है और एक तबका यूथ का ऐसा है कि जो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव है अपने तरफ से और सारे यूथ को हमें वहाँ पहुँचाना है और उसके लिए इस तरह के फिल्म फेस्टिवल्स लिट फेस्ट वगैरह ये सब बहुत ज़रूरी है क्योंकि इनकी ऑडियंस भी तो यूथ ही होती है। तो जब अच्छी चीज़ें हम अपने यूथ के सामने रखेंगे तो वो अच्छी चीज़ें ग्रहण करेंगे। तो सबसे पहले हमें अपने आप को बदलना चाहिए, हमें अच्छी चीज़ें उनके सामने। नहीं देखिए आप क्या चाहते हैं लाइफ में उसके ऊपर बहुत डिपेंड करता है। अब मेरी वो चाह कभी नहीं थी कि मैं स्टार बनूँ, मुझे हमेशा से एक्टिंग में रुचि थी तो मैं उस रास्ते निकल गई। जितनी भी फिल्में मैंने की हैं आज तक उसमें अवार्ड्स मिले, बहुत काम तो सराहा गया, लेकिन जो कमर्शियल फिल्में हैं वो तो एक अलग ही टाइप की फिल्में हैं। उसमें आप बतौर स्टार के आप आते हैं, उसमें अभिनय पे इतना कॉन्सेंट्रेशन नहीं करना होता, उसमें बाकी चीज़ें। तो ये पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी एक इंडिपेंडेंट फिल्म ने कमर्शियल इतना बड़ा सक्सेस कमाया है, तो ये एक अपने आप में बहुत रेयर सा फिनोमिनन है। पर इसके आगे अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छी बात है। विवेक जी की कहना चाहोगे बहुत अच्छा लग रहा है। जब भी चंडीगढ़ आता हूँ मुझे तो अच्छा लगता है, मेरी फेवरेट सिटी है, मैं बहुत आता हूँ। All I can say, I love you all. That's all. मैं पंजाबी अच्छी नहीं बोल पाता हूँ। नहीं नहीं मैं चाहूँगी पंजाबी में बोलूँ। आप बोलो मैं बोल दूँगा। मैंने पंजाब के लोगों का बड़ा प्यार है। मैंने पंजाब के लोगों का बड़ा प्यार है। गेवी जी जिम्मी की फिल्म फेस्टिवल चल रहा है, म्यूजिक फेस्टिवल बड़े लंबे समय बाद आया और जरूरी भी है क्योंकि नौजवानों को एक इंस्पिरेशन मिलती है। तो इसके बारे की कहना चाहोगे?
बहुत चंगी गल है जी। सब तो पहला तो अभी डायरेक्टर इस अपने फिल्म फैसटिवल के राजेश जी ने उन्होंने दस दिता सारा। सो मैं रियली उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेट करदा तो थैंक्स करदा क्योंकि ये जरिए उन्होंने लोगों को प्लेटफॉर्म मिलता जिहड़े अपनी चीज़ बना तो लेंदे ने पर इधर उधर भटकते फिरते रहते हैं कि उन्होंने अच्छी शोकेसिंग मिल जाए किसी थान के उत्ते क्योंकि सारे ने वे वे हम बॉम्बे के जिन्हें भी वे प्लेटफॉर्म है गए उन्होंने शायद सुपना होंगे ज उन्होंने बहुत लोग गलत राह के उत्ते पा देंगे ने वेट करते रहेंगे ने। सो एक जेन्युइन फिल्म बाजार के करके इतने इन्होंने एक भी इनिशिएटिव लिया जिते उत्ते उन्होंने दोनों एक ब्रिज का काम करेंगे मेकरस ने जिहड़े अपने फिल्म बना के बैठे ने एक चंगे OTT प्लेटफॉर्म के उत्ते रिलीज़ कर सकन ईवन थिएटर के विच ते बाकी ये होर सारे बंदे नू होर भी देशों नू भी जोड़ रहे ने वक् वक् कंट्री के टूरिज्म उत्ते सानू सबसिडी मिलती हैगी है। सो एक आई थिंक इस फेस्टिवल का यह बहुत यूनीक तो एक चंगी गल हैगी है कि अंडर वन रूफ तुहानू बहुत सारिया चीज़ा राइट फ्रॉम द मेकिंग फॉर ईवन द एस्टैबलिश पीपल लाइक जिन्हें भी हूँ उतो बॉम्बे तो इन्ने लोगों को संभालना करना भी सौखी गल नहीं होंगी इन्हें बहुत चंगे तरीके ऑर्गेनाइज किया तो बाकी हर एक दे लई इत्थे जे असी इस फिल्म इंडस्ट्री दे लई आ तां साडे लई भी इत्थे स्कोप हैगा बिकॉज असी एक दूजे नूं मिलदे हाँ इत्थे आके मैनूं दो फिल्मां मिलियां ने। सो जिहड़े इत्थों दे डायरैक्टर ने ईवन उन्हां नूं इत्थों दे कारपोरेट जां होर बंदे मिले ने उन्हां लई लोकेशन मतलब कि हर एक लई इत्थे फायदा हैगा ही हैगा पर जिहड़े एस्टैबलिश हो चुके ने उन्हां नूं चलो फिर भी एक उन्हां नूं लोग जाणदे हुंदे ने। सब तो वड्डी गल है जिहड़े नवें मेकरस ने उन्हां दे लई इह बहुत वधिया स्कोप है बहुत वधिया ते बहुत वड्डा स्कोप है। सो एप्रीशिएट है जी हर एक पक्ष तों। सो इदां दे हुंदे रहिण अपने फेस्टिवल्स ते हर साल असं आते रहिए तो बाकी जिन्ना टैलेंट हैगा उन्होंने वधिया प्लेटफॉर्म मिल जाए उन्होंने मतलब कि फिल्मों एक सूरज की किरण मिल जाए। हाँ जी तो सब तो वधिया यूनो केस स्टडीज़ आप इतने प्रोड्यूस की यूनो अभिषेक दुदैया जो भुज के डायरैक्टर ने उन्होंने जो आप म्यूजिक फेस्टिवल किया यूनो काफ़ी सारे नए सिंगरस आप इंट्रोड्यूस किए उन्होंने तीन सिंगरस साइन कर लिया अपनी न्यू प्रोजेक्ट वास्ते। सो ए फेस्टिवल एवें जो बहुत सारे मौके दिता है के सी बुकाडिया साहब ने दो आर्टिस्ट को साइन किया इतने। सो एवें जी बहुत अच्छी इंट्रस्टिंग डिस्कशन रही पूरे तीन दिन के फेस्टिवल काफ़ी सारे न्यू डायरैक्टर्स OTT प्लेटफॉर्म्स को मिले और लगता है कि आप उन्होंने वास्ते फॉलोअप करेंगे अगले 4-5 डेज तक ही उन्होंने यूनो वो प्रोजेक्ट्स उन्होंने उन प्लेटफॉर्म्स नाल साइन हो जाए। सो ये सिर्फ फिल्म फेस्टिवल नहीं है फिल्म बाजार नहीं है इस फिल्म फेस्टिवल के विच जिथे आम लोग आते हैं जो नौजवान पीढ़ियों को एक मौका मिलता है उत्थे ही एक इहोजा मौका भी मिलता है कि जिहड़े अदाकार जां कलाकार ने उन्होंने नवी फिल्म मेकर मिलने का मौका मिलता है। कैमरा पर्सन सुमित ने नाम ब्रेक तो बाद एक बार स्वागत है। चंडीगढ़ म्यूजिक एंड फिल्म फेस्टिवल च रॉकस्टार तमाशा जवी मेट वर्गियां हिट फिल्मां देने वाले डायरैक्टर इम्तियाज अली भी पहुंचे। इस दे नाल नाल CMFF दे डायरैक्टर राजेश शर्मा दे नाल भी गलबात कीती साडे सहयोगी। जिवें कि तुसीं रॉकस्टार दे विच जिहड़ी हीरोइन सी ओहदी डैथ हो जांदी है ना लास्ट दे विच, लेकिन प्लीज़ तुसीं हीरोइन जां हीरो नूं मारिया ना करो। फिल्म दा लास्ट ते बंदा बड़ा बहुत इमोशनल हो जांदा है। हाँ जी मैं भी इमोशनल हो जाता हूँ मगर मैं कोशिश करूँगा मगर क्या करूँ कुछ तो वो जो कहानियाँ हैं ना वो अपने आप को लिखवाती हैं मुझसे मैं नहीं लिख रहा होता। इस तरह के जो फेस्टिवल्स हैं ना फिल्म के म्यूज़िक के ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं बिकॉज हम लोगों को मौका मिलता है अपने आप को फिर से ना टू डस्ट। दिस इज़ अवर सेकेंड चंडीगढ़ म्यूजिक एंड फिल्म फेस्टिवल। कोविड से पहले हमने फर्स्ट फेस्टिवल किया था ड्यू टू कोविड हम सेकेंड नहीं कर पाए तो नाउ दिस इज़ द राइट टाइम टू डू इट। तो हमने अभी इसको किया है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी और चंडीगढ़ और पंजाब। एक्चुअली चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी हमने इसलिए कहा क्योंकि इससे पंजाब भी कवर हो जाता है पंजाब हरियाणा दोनों स्टेट्स कवर हो जाते हैं और चंडीगढ़ से हिमाचल J&K उत्तराखंड के लोग चंडीगढ़ आराम से आ जाते हैं। एंड ऐसा है कि हमारे दो वेन्यूज़ हैं तो एक चंडीगढ़ में है एक एलांटे मॉल में है और एक स्क्रीनिंग का सेकेंड वेन्यू हमारा पंजाब म्यूनसिपल भवन सेक्टर 35 है। एक वेन्यू चंडीगढ़ और एक वेन्यू हम लोगों ने पंजाब में एस्टेब्लिश किया है जिसमें हम करीबन 76 फिल्म्स शॉर्ट फिल्म्स म्यूजिक एल्बम्स की स्क्रीनिंग कर रहे हैं इन 3 डेज 21-22-23 ऑफ अप्रैल 21 और 22 अप्रैल को चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में स्क्रीनिंग है और 22 और 23 अप्रैल को मॉर्निंग 10 AM to 10 PM पंजाब म्यूनसिपल भवन सेक्टर 35 में हम लोग स्क्रीनिंग कर रहे हैं। सर मेरे नाम स्टेंथ ने डायरेक्टर इम्तियाज अली जी गलबात कर रहे हैं। सत श्री अकाल सर। हाय सत श्री अकाल। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸੋ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਐਂਡ ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਕੱਲ੍ਹ ਆਇਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਥਾ ਔਰ ਅਭੀ ਵੀ ਦੇਖੇ ਜੈਸੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਥਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸੁਹਾਨਾ ਮੌਸਮ ਲਾਇਆ ਸੀ ਐਂਡ ਸੋ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਦ ਹਵਾਏ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਔਰ
मूनलाइट वर्गी सनलाइट दिख रही है आज चंडीगढ़ के ऊपर, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। इम्तियाज जी, जिमें कि कोविड तो बाद दोबारा तो फिल्म इंडस्ट्री नूं थोड़ा जा कह सकते हुंगारा मिलिया है, जा कह सकते थोड़ा जा एक जंप मिलिया है, किन्ना क जरूरी है इस टाइम के उपर फिल्म फेस्टिवल कराने या म्यूजिकल अवार्ड्स कराने, क्योंकि काफ़ी सारे जने का टेंपर बहुत डाउन जा चुका है। हाँ जी, मुझे लगता है कि एक इनर्शिया सी सेट हो गई है, हो गई थी, और खास करके लोग जो अभी है ना धीरे धीरे करके सिनेमा में आएंगे, तो उस गर्म मतलब टू ब्रिंग मूवीज़ बैक टू थिएटर और टू मूव टू ब्रिंग पीपल बैक इनटू थिएटर, इस तरह के जो फेस्टिवल्स हैं ना फिल्म्स के म्यूज़िक के, ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं, बिकॉज हम लोगों को मौका मिलता है अपने आप को फिर से ना टू डस्ट अवे द कॉबवेब्स फ्रॉम आवरसेल्व्स एंड द ऑडियंस। इम्तियाज जी, अगर तुसी डायरेक्टर ना होंदे तो फिर तुसी की होंदे? अगर तुसी डायरेक्टर इस इंडस्ट्री विच ना होंदे तो तुसी की होंदे? मैं बास्केटबॉल प्लेयर होता, कि मैं मुझे लगता था कि मैं बास्केटबॉल प्लेयर ही बनूंगा लाइफ में, मगर फिर वो नहीं किया मैंने, फिर इसलिए डायरेक्टर बन गया। मैं चाहूँगी तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने या चंडीगढ़ ट्राई सिटी है उन्होंने कोई मैसेज दो? मैसेज यही है यार, अपनी मन की करो, अपने दिमाग से सोचो, और अभी अभी तमाशा फिल्म ख़त्म हुई है, तो मैसेज तो क्या है कि एक फिल्म मेकर अपनी फिल्मों के थ्रू ही देता है, मगर अपने दिमाग से सोचो, अपने मन की करो, अपने ड्रीम्स को मत छोड़ो। जेकर गल की जाए 2022 की, अपडेटेड फिल्म ने जो आने वाली ने थोड़ा शेयर करना चाहोगे? 22 में मेरी कोई डायरेक्टोरियल फिल्म नहीं है, एक फिल्म है जो हम लोगों ने प्रोड्यूस की है वो आएगी, और मेरे दोस्त ने डायरेक्ट की है, उसके बारे में बताऊंगा, मगर हमारी बाकी जो फिल्में वगैरह हैं वो अगले साल आनी है, और कुछ शोज हैं जो इस साल आएंगे। लेकिन इम्तियाज जी, मैं एक होर गल भी तुहाडे नाल करना चाहवांगी, जिवें कि तुसी रॉक स्टार दे विच जिहड़ी हीरोइन सी उहदी डैथ हो जाती है ना लास्ट दे विच, लेकिन प्लीज़ तुसी हीरोइन जां हीरो नूं मारा ना करो फिल्म ना, लास्ट ते बंदा बड़ा बहुत इमोशनल हो जाता है। हाँ जी, मैं भी इमोशनल हो जाता हूँ, मगर मैं कोशिश करूँगा, मगर क्या करूँ, कुछ वो जो कहानियाँ हैं ना वो अपने आप को लिखवाती हैं मुझसे, मैं नहीं लिख रहा होता हूँ, तो देखो क्या होता है आगे अगली कहानी में, है ना। थैंक यू सो मच। सो ए सी इम्तियाज अली जी, जिन्हों ने म्यूजिक एंड फिल्म फेस्टिवल के चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में आए हैं, सो अपने आप के बड़े इंस्पीरेशन ने, अपने आप के ही बहुत ही स्पेशल ने, क्योंकि इन्होंने रॉक स्टार, तमाशा, जब भी मैड लव, अजकल यह सारिया फिल्म ने जो कि सुपर डुपर हिट्स रह चुकी ने। कैमरा परसन बनी रामप्रीत कौर, PTC न्यूज चंडीगढ़। चंडीगढ़ म्यूजिक एंड फिल्म फेस्टिवल बेहद खास रहा, इतने मौजूद कुछ होर सितारे के नाल गलबात की साडे सी होगी रामप्रीत ने। मेरे नाल बड़िया अच्छिया कलाकार ने, बड़े अच्छे अदाकार ने, उन्होंने गलबात कर रहे हैं क्योंकि पंजाब दे विच फिल्म फेस्ट हो रहा है। सत श्री अकाल जी। सब तो पहले दसो कि तुसी जिवें कि फिल्म फेस्ट हो रहा है, किन्ना क जरूरी है नौजवानों के लिए, उन्होंने इंस्पायर करने के लिए, क्योंकि कोविड टाइम निकलिया और उस तो बाद फिल्म फेस्ट हो। बहुत जरूरी है, जदों असीं छोटे छोटे होंगे सी, जदों भी किसी अच्छे कलाकार नूं देखते सी, दिल करता सी कि असीं भी इन्हां वर्गे बनीए, लाजमी है। अज शर्मा जी खड़े ने इत्थे, ना है परमात्मा दी कृपा, थोड़ा बहुत मेरा भी ना हो गया, तां जिहड़े नवें मुंडे आ उह जदों सानूं देखदे आ कि इन्हां नूं परमात्मा दी कृपा नाल, उन्हां दा भी दिल करदा कि असीं इन्हां वर्गे बनीए, इस करके फेस्टिवल बॉलीवुड के एक्टर्स आए हुए हैं, वड़े वड़े डायरेक्टर, सारा मीडिया कवर कर रहे हैं, उन्होंने अंदर भी सुपने पनपते हैं, फिर सुपने पूरे करने वास्ते मेहनत करते हैं, इस करके यहोजे समागम, यहोजे समारोह होंगे रहने चाहिए है। तो इसे मैं थोड़ी बड़ी सारी यहोजी फिल्म देखी है जिस बड़े इमोशनल मूवमेंट होंगे, बड़ा इमोशनल टच आता उस चीज़ के, वो पहले प्रैपरेशन करते हो जो अपने दरवाजे बंद कर लेंगे उस टाइम के उपर, कि मैं इस टाइम जो ये तैयारी करनी थी, मैं थिएटर कर आया, हूँ वही तैयारियां करने की जरूरत नहीं है, वो थिएटर कर आया, इसे करके थानू भी धन्यवाद है जी, तुम आए हो, और थोड़े जरिए साडे ऑडियंस नू भी मैं यही कहना चाहवागा कि साडी इंडस्ट्री हुण इस जोगी हो गई है कि बॉम्बे दे लोग, बॉम्बे दे डायरेक्टर्स, बड़े अच्छे अच्छे अदाकार, वो हुण इत्थे फेस्टिवल अटेंड करना आते हैं, तो ये साढ़े वास्ते माण की गल है। इसी तरह पंजाबी इंडस्ट्री नू, पंजाबी फिल्म्स नू, पंजाबी प्रोग्राम देखते रहो। फिलहाल बस इन्ना ही, मैनू ते रंजीत कौर नूं दे इजाजत, मस्त रहो, जबरदस्त रहो, अपना ख्याल रखो। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया।